हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं जुमसा, आप देख रहे हो मोटर्स पे इंडिया। सो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ द ऑल न्यू सिट्रॉइन C3 के ऊपर, जो कि अभी न्यूली लॉन्च्ड है। एंड देखते कितने सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, कैसा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है इस गाड़ी का, एंड सो ऑन। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। फ्रंट दिखाया तो ग्रिल बहुत ही मैसिव है सच, एंड बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट आपको देखने को मिल सकता है इसका लोगो सिट्रॉइन का। एंड बहुत ही सटल लुक है, क्रोम का बहुत ही मिनिमल यूसेज किया गया है, आप इधर देख ही पा रहे होंगे। ओनली 2 strips क्रोम का आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है, क्योंकि मुझे हैसच ज़्यादा क्रोम अच्छा नहीं लगता गाड़ियों में। या इट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। इधर आपको टोइंग हुक देखने को मिल सकता है, नीचे आपको फॉग लैम्प देखने को मिल पाएंगे, एंड टिपिकल हेडलैम्प्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए विद DRLs। एंड इसके अंदर ही आपको बल्ब में इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं, एंड हेलोजन हेडलैम्प मिल जाते हैं। सिट्रॉइन रिटर्न ओवर हियर, आप देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, या देयर इट इज़। एंड ओवरऑल गाड़ी आगे से बहुत ही बेहतरीन लग रही है, कट्स एंड ग्रीजेस बहुत ही अच्छे हैं इस गाड़ी के, एंड इवन इन द वाइट कलर ज़्यादा अपीलिंग लग रही है कार, विथ ब्लैक रूफ एंड वाइट कार, इट लुक्स अमेजिंग। या सो व्हील साइज दिखाया तो इधर आपको मिल जाते हैं 215/60 और 17 inch के व्हील्स मिल जाते हैं, विच इज़ अमेजिंग थिंग। एंड जो एलॉय व्हील्स है वो काइंड ऑफ क्रॉस को रेप्लीकेट करते हैं, बट बहुत ही बेहतरीन स्टाइलिंग है, डिज़ाइन है जो यूज़ किया गया है। यस, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं, एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, एंड डोर हैंडल्स आपको ओल्ड स्कूल डोर हैंडल्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इसके अंदर। सो रिक्वेस्ट सेंसर्स आर नॉट देयर। या एंड ओवर रिम्स देखा जाए तो बहुत ही डिसेंट साइज़ के हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है, बढ़िया। आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग राइट ओवर हियर। यस, एंड फ्रॉम द बैक इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन लगती है पीछे से। सिट्रॉइन रिटर्न ओवर हियर, और जो मैसिव लोगो आपको दे दिया गया है इधर, कंटिन्यूटी टेल लैम्प्स का कोशिश किया गया है इधर पियानो ब्लैक फिनिश दे के, बट इट लुक्स अमेजिंग। या सो टेल लैम्प्स टिपिकल हेलोजन है, बट हैज़ आई सेड द डिज़ाइन इज अमेजिंग, बिकॉज एक एक एलिमेंट आप देख पा रहे होंगे, इधर भी आपको सिट्रॉइन का लोगो देखने को मिल पा रहा होगा। यस, सिट्रॉइन C3 एयरक्रॉस रिटर्न ओवर हियर। सडल स्लिप दिया गया है आपको क्रोम का, प्योर टेक इज़ द वेरिएंट नेम। आपको 2 sensors मिल जाते हैं पीछे, एंड नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने के लिए मिल पाएंगे, एंड नीचे आपको स्पेयर व्हील भी प्रोवाइड कर दिया गया है। या देयर इट इज़, आपको एग्जॉस्ट नोट इधर देखने मिल सकता है। लेट्स ओपन द बूट राइट अवे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बूट ओपनिंग आपको मिल जाता है इधर, एंड फ्रॉम द बैक आपको जगह बहुत ही कम मिलता है, एक जिम बैग आ सकता है काइंड ऑफ, अगर ऑल द सीट्स अप हो तो, बट ये सीट्स को आप अलग सा घर पे रख सकते हो, लिटरली यू कैन रिमूव इट। और उसके बाद ऑलमोस्ट अराउंड 511 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस आपको मिल जाता है इस गाड़ी में, विच इज़ मैसिव लिटरली। और या आई विल ट्राई टू फोल्ड इट, ऐसे कुछ आप फोल्ड करोगे, एंड फोल्ड करने के बाद देयर यू गो, बहुत ही स्पेशियस हो जाती है ये कार। एंड इवन द थर्ड सीटर हैज़ अ USB सॉकेट्स राइट ओवर हियर, आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं बोथ द साइड्स, इवन आपको सब्जी कुछ रखना हो 3 kg मैक्स लिमिट आपको मिल जाता है इधर। या फेयर इनफ, लेट्स क्लोज द डोर राइट अवे, क्लोज विद द प्रॉपर थर्ड, बट या इट इज़ अमेजिंग। सिट्रॉइन ने जो डिज़ाइन एलिमेंट यूज़ किया गया इसके अंदर, इट फील्स फैबुलस। या सो आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं इसके अंदर, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग। यस, और ओवरऑल में देखा जाए तो डिज़ाइन एलिमेंट जैसे मैंने बताया इज फैंटेस्टिक, एंड डाउन क्लियरेंस अराउंड 200 mm का डाउन क्लियरेंस आपको मिल जाता है, विच इज़ अमेजिंग थिंग। एंड व्हील बेस इस सेगमेंट में सबसे बड़ा है, विच इज़ अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस कार। एंड प्राइस मैं बताऊंगा तो आप लिटरली शॉक हो जाओगे, एंड इधर से आप फ्यूल फिल करोगे विच इज़ द पेट्रोल। या सो ओवरऑल कार मुझे बहुत अच्छा लगा, पीछे से आपको ऑब्वियसली जो नॉर्मल अफेयर है वो मिल जाते हैं, डिफॉगर आपको मिलता ही है, रेयर वाइपर मिल जाते हैं, हैंड स्टॉप लैम्प, आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड वॉट नॉट। या सो फ्रॉम द रेयर लेट्स एक्सप्लोर द कार, लेट्स ओपन द रेयर डोर, बट उससे पहले मैं आपको कीज़ दिखाना चाहूँगा। या आपको सिट्रॉइन का लोगो मिल जाता है की में, एंड नॉर्मल की है जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, बट इट्स हैंडी
बहुत लाइट वेट है, सो उतना कुछ आपको फील नहीं होगा की के बारे में। सो आते अब देख पाओगे कि इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूसेज देखने को मिल सकता है एंड अ ह्यूज बॉटल होल्डर राइट ओवर हियर, एंड इधर आपको सिल्वर सॉर्ट ऑफ फिनिश देखने के लिए मिल सकता है। एंड सीट्स की बात किया जाए तो बहुत ही कुशनी सीट्स आपको मिल जाते हैं, जो कि बहुत बेहतरीन बात है। फैब्रिक एंड लेदर का मिक्स दे दिया गया है इसके अंदर। हेडरेस्ट आपको ऑब्वियसली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। सेंटर पैसेंजर के लिए भी आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। बट इन अ 5 सीटर आपको इधर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। दिस इज़ द 5+2 सीट्स, सो इधर आपको काइंड ऑफ आर्मरेस्ट नहीं मिलता। बट ऑब्वियसली यू गेट USB चार्जिंग ऑप्शंस राइट ओवर देयर। सो लेट्स गेट इन एंड लेट्स क्लोज द डोर। क्लोज द प्रॉपर थर्ड, एंड इधर आप देख ही पा रहे होंगे AC वंस के कंट्रोल आपको देखने को मिल सकता है विद ब्लोअर्स, या लैंप आपको मिल जाता है। बट या आई थिंक लेट्स गो टू द रियर सीट्स एंड एक्सप्लोर देम। तो उसके लिए मुझे ये सीट में आना पड़ेगा, सो लेट्स गो। स्टम्बल दिस, बहुत ही आसानी से टम्बल हो जाते हैं ये सीट्स। एंड वेट अ सेकेंड, लेट मी पुश इट आउट। अब मैं आ चुका हूँ लास्ट रो में एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिट हियर। इट्स क्वाइट अ स्ट्रगल, बट या आप देख पा रहे होंगे कि इधर मेरे को बहुत ही कम स्पेस है फॉर द लेग रूम ऑब्वियसली, एंड अनदर सपोर्ट इज लाइक ऑफ निल या। बट हेडरूम, प्लेंटी अमाउंट ऑफ हेडरूम आपको मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। या एंड हैज आई सेड, आपको इधर कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कुछ लोड करना हो आपको 3 kg का आप इधर कर सकते हो। प्रॉपर सीट बेल्ट आपको मिल जाता है पीछे, एंड फ्रॉम राइट ओवर हियर आपको USB स्लॉट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग। सो आई काइंड ऑफ फीलिंग क्लॉस्ट्रोपोविक फ्रॉम हियर बिकॉज ग्लास एरिया बहुत ही चिंटू मिंटू सा है। या सो लेट्स गेट टू द सेकेंड रो ऑफ सीट्स। बेस्ट पार्ट यही लगा मुझे, टम्बल करने में बहुत ही आसान हुआ मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको वापस अपने प्लेस में रखना चाहूँगा, एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हो। या दिस इज द मैक्सिमम रिक्लाइन पोजिशनिंग, एंड लेट्स गेट टू द रियर सीट्स। लेगरूम दिखा दो, बहुत ही प्लेंटी अमाउंट ऑफ लेगरूम आपको मिल जाता है, एंड स्कूप्ड आउट सीट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इसके अंदर, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग। या एंड पीछे के रियर विंडोज़ के जो पावर विंडोज़ है आपको इधर मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट हैंडी। एंड सेंट्रल टनल मिनिमल आपको मिल जाता है, सो इसका मतलब आपको 3 पर्सन कैन ईजिली फिट इन, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग ऑफ दिस कार। काइंड ऑफ अ USP ऑब्वियसली। सो डैशबोर्ड ऐसा कुछ दिखता है, विच आई थिंक इट इज़ मोर अपीलिंग। या सो या लेट्स गो टू फ्रंट सीट्स। बाय द वे आपको पीछे भी स्पीकर मिल जाता है इन दिस कार, आई थिंक सो यू गेट अ 6 स्पीकर सिस्टम, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। सो लेट्स एक्सप्लोर द फ्रंट सीट्स एंड देखते हैं क्या क्या फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया इसके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर आपको प्रॉपर बॉटल होल्डर मिल जाता है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। येस, एंड पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, विच इज़ 1 touch down, विच इज़ अमेजिंग थिंग। आपको ऑल 4 विंडोज़ के लिए 1 touch down मिल जाता है, इट्स अ अमेजिंग फीचर। एंड ओवेंस के कंट्रोल आपको इधर मिल जाते हैं, विच इज़ क्वाइट हैंडी। येस, एंड दिस फॉर द चाइल्ड लॉक फॉर द विंडोज़, या आपके ऑटो स्टार्ट स्टॉप बंद करने के लिए आप इधर से ऑन ऑफ कर सकते हो। दिस काइंड ऑफ हेडलाइट लेवलर, एंड इधर से आपको बूट ओपन करना हो तो आप इधर से कर सकते हो। यू डोंट गेट अ प्रॉपर डेड पेडल, बट या ग्रिप देखे, ग्रिप वाइज दिखाया जाए तो बहुत ही बेहतरीन ग्रिप आपको मिल जाते हैं ऑन द पेडल्स। यस, सो लेट्स गेट इन एंड लेट्स क्लोज द डोर। सो डोर क्लोज विद अ प्रॉपर थर्ड, एंड जस्ट देखा जाए तो ओवरऑल कैबिन इट इज़ अमेजिंग। जो क्वालिटी है दिया गया है, इट्स फिनोमिनल। या सो दिस काइंड ऑफ खाकी कलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया है वेंट्स में एंड सेंटर में भी, सो इट्स काइंड ऑफ प्लेइंग विद द कलर्स। सिट्रॉन इज़ लाइक प्लेइंग विद द कलर्स ऑब्वियसली। एंड ग्लव बॉक्स का साइज देखा जाए तो इट्स मैसिव, बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है विद काइंड ऑफ पेन होल्डर। या एंड
ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश आपको दे दिया गया है, विच इज अमेजिंग, क्योंकि ये बहुत ही प्रीमियम कार्स में दिखाया जाता है ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश का यूसेज. यस एंड स्टेयरिंग फील सो लाइट मैन, वाओ स्टेयरिंग जो फील एंड कॉन्फिडेंस आता है वाइल ड्राइविंग इज अमेजिंग. मैं ड्राइविंग के वक्त आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में. तो एंड दिस स्क्रीन इज मैसिव एंड जो फ्लुएंसी है यूज़ करने का इट्स अमेजिंग. सो इधर आपको नेविगेशन मिल जाता है, आपको इधर सेटिंग्स में व्हीकल क्लॉक मैनी मोर फीचर्स एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इसके अंदर. मैनुअल एसी आपको मिल जाता है विच इज एसी से चिलर बेसिकली. एसिड लैम्प का बटन आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया. 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको इधर मिल जाता है. यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको इधर भी मिल जाते हैं. काइंड ऑफ वायरलेस चार्जर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है. एंड अ सनरूफ विल बी अ नाइस एडिशन टू दिस कार ऑब्वियसली, बट इन दिस प्राइस पॉइंट आप ये जो है वो भी बहुत है. या ऑब्वियसली सो इधर आप अपना फोन रख सकते हो, इधर कुछ स्टफ रखना इधर आप रख सकते हो. ट्विन कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं. 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाता है इधर. एंड अ कवि स्पेस राइडर हियर. सो मैनुअल हैंडब्रेक आपको मिल जाता है इधर. एंड ओवरऑल 2 एयरबैग्स आपको मिल जाता है. हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया इसके अंदर. एंड सेंटर में आपको लैम्प देखने के लिए मिल सकता है. इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है सनराइजर के अंदर. एंड या इट इज़ अ नाइस एरी कैबिन, सच बताओ ना तो इट्स अ अमेजिंग कैबिन टू बी हियर. सो स्टेयरिंग आपको टिल्ट मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट आपको ऑल डिजिटल डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑब्वियसली. सो टू ब्राउज इट आपको इधर से ऑप्शंस मिल जाते हैं. सो आप अलग अलग फीचर्स आप इधर से टॉगल कर सकते हो. एयर ओके TPMS भी आपको मिल जाता है विच इज़ अमेजिंग थिंग. यस अभी तो रेंज 7.9 का दिखा रहा है, बट या क्योंकि मैं बहुत गंदी तरह चला रहा था अभी तक ट्रिप है ट्रिप भी. इको काइंड ऑफ इकोनॉमिक मोड भी है इसके अंदर, या वो शोकेस करता है. एंड इट्स फील्स सो नाइस यार टू बी हियर, क्योंकि बहुत ही अपीलिंग कैबिन मिल जाता है. हाँ आई नो फीचर्स थोड़े से कम मिलते हैं, बट ओवरऑल जो फीचर्स मिलता है वो आपको फील नहीं करवाएगा कि हाँ फीचर्स कम है. या सो लेट्स स्टार्ट ड्राइविंग आई थिंक सो. यस सो लेट्स ड्राइव दिस कार एंड देखते क्या ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको मिलता है इसमें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनिशियल स्टेज में मैं देख रहा हूँ कि स्टेयरिंग बहुत ही लाइट है, इजी टू ट्वर्ल है. सो इन द सिटी यू गेट अमेजिंग फील एंड फीडबैक फ्रॉम द स्टेयरिंग. एंड जो राइड क्वालिटी आपको मिलता है, सिट्रन जाना जाता है उसका राइड क्वालिटी के लिए. एंड आपको सेम एक्सपेक्टेशन इस गाड़ी से भी रख सकते हो आप फॉर श्योर. एंड जो पावर मिलता है आपको, एंड यस इट इज़ अमेजिंग. जो किक है इनिशियल बूस्ट आपको मिलता है, इट्स फैंटास्टिक इन दिस कार. सो टर्निंग रेडियस भी बहुत कम है जैसे आप देख ही पा रहे होंगे. यस सो इट्स अ स्मॉल कार, सो आप आराम से गलियों में लेके जा सकते हो. कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छा होगा इसके अंदर, प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छा है जैसे मैंने आपको रिव्यू में ही बताया था. एंड जो क्लच है वो भी लाइटर साइड में, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग. सो सिटी में एक्चुअली में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द इंजन राइट अवे. सो इसमें आपको मिल जाता है 3-cylinder पेट्रोल इंजन जो है 1200cc का आपको मिल जाता है इसके अंदर इंजन, विच प्रोड्यूस अराउंड 110 PS ऑफ पावर एंड 190 Nm ऑफ टॉर्क. सो फिगर्स आर ग्रेट. एंड जो इनिशियल जो पुल मिलता है आपको लो एंड में वो भी बहुत बेहतरीन आपको मिल जाता है. सो या लाइक दिस आप देख ही पा रहे होंगे रोड अभी बहुत ख़राब है, फिर भी राइड क्वालिटी इज़ अमेजिंग. एंड बेस्ट पार्ट ये है कि आपको बोनेट दिखता है विच इज़ अमेजिंग थिंग, क्योंकि ये फील करवाता है कि आप कुछ कोई बड़े ही गाड़ी में बैठे हो लाइक थार एंड ऑल, क्योंकि हाई रोड प्रेजेंस आपको मिल जाता है इसके अंदर विच इज़ अमेजिंग थिंग. एंड या इवन थर्ड गियर में भी आप आराम से पुल कर सकते हो विच इज़ अनदर ग्रेट USP ऑफ दिस कार. सो दिस वॉज माई इनडेप्थ रिव्यू ऑन दिस कार. अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. या ओके बाय.